गुड इवनिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम थोड़ी देर रुकेंगे, सब जो भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रेयर कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 5:50 हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एन ओपनिंग प्रेयर। इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, आमेन। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के नाम पे हम ये प्रार्थना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करिए कि हम जो आज सीखेंगे, जो भी हम रिवाइज करेंगे, जो भी हम याद करेंगे, वो बस आपसे हो। और आप ही, आपका ये वचन कहता है कि जहाँ दो और तीन जुड़े हों, आप वही है, हमारे साथ है। आपका पवित्र वचन हमारे साथ है, तो इसके नाम पे हम हमारा हिंदी सेशन अब शुरू करते हैं। जो जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं वो आशीषित हैं, और हमें थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग अस विद योर प्रेशियस वर्ड विच ब्रिंग्स हियर हेल्थ एंड healing to all our flesh. I thank you and praise you, Father God, for your abounding love and your mercies are new and fresh every morning. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Pavitra Atma, aapki stuti ho, aapki mahima ho, Prabhu Yeshu. Aapki mahima ho, Pita Parmeshwar. हर चीज में, हर सांस में हमारी ओर से आपकी महिमा हो। हम घटे और आप बढ़े, हमारी जिंदगी, हमारे जीवन से आपको स्तुति महिमा मिले। आपके बेटे के नाम पे हम ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, आमेन। थैंक यू जीसस। तो आज मैंने सोचा कि हम सिस्टर ब्रेंडा जुड़ने से पहले हम ये एफिशियंस चैप्टर 6:10 रिवाइज करते हैं। एफिसियो चैप्टर 6:10, प्रभु का अभेद कवच धारण करो, the armor of God, मतलब यह कि प्रभु में स्थित होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। तो हम कैसे कैसे अपने आप को उनके हम अपने आप को शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं? जैसे हमने पहले, बहुत पहले सीखा था ये कि अगर हम क्या हो गया हाँ फाइनली बी स्ट्रॉन्ग in the Lord and in his mighty power. तो हम अपने आप को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं? प्रभु का पूरा सुरक्षा कवच जो हमने डालना है अपने आप पर, उनका वचन
जो बोल बोल कर सीख कर समझ कर और याद करके जब को हम पर कोई आपत्ति आती है या हम पर कोई आजमाइश होती है, उस वक्त अगर हमारे पास प्रभु का सुरक्षा कवच न हो तो उस वक्त हम क्या करेंगे? बहुत ही आसान है शैतान को हमें झुठलाना, क्योंकि ये उसका काम है ना। तो प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे शिष्य हैं वो ऐसा नहीं है कि जो हम इस दुनिया में हैं तो हमें हमारी आजमाइश नहीं होगी, लेकिन हम इस दुनिया के होते हुए बावजूद इसके हमें हमेशा उनका सुरक्षा कवच डालना है। और उनका सुरक्षा कवच क्या है? उनका पवित्र वचन, पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड, 11वां, सो दैट यू कैन टेक योर स्टैंड अगेंस्ट द डेविल स्कीम्स। एक मिनट का, मैं ये हिंदी में भी डाल देती हूँ, सॉरी, ये पता नहीं कैसे गायब हो गया। तो हिंदी में दोबारा पढ़ती हूँ, मतलब यह है कि प्रभु में स्थित होकर उसकी अजीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। तो पहला जो हमारा वाक्य है, मतलब यह कि प्रभु में स्थित होकर क्या हम प्रभु के बिना शक्तिशाली, शक्तिशाली का शब्द ही नहीं आएगा हम में। अगर हम प्रभु में नहीं है, अगर हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रभु का वचन याद नहीं करते हैं, तो बहुत ही आसान है शैतान को हमारी जिंदगी में, हमारे जहन में डर, उसका डर, उसका जो उसके जो योजनाएं हैं हमारे खिलाफ या हमारी जो भी जैसे हमारा काम है, हमारे हमारे फाइनेंसेस हैं, हमारा हमारा हेल्थ है, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारा जो कुटुंब है, उस सब में शैतान, उसको बहुत ही आसान है ये हमारे इसमें डर डालना। अगर हम प्रभु में स्थित नहीं है तो हम प्रभु में स्थित कैसे हो सकते हैं? प्रभु में स्थित होना, जैसे दानियल था, वो जो भी हो, जैसा भी हो, जैसा भी दिन हो, जो भी हो, भले ही राजा की ओर से ये मैसेज आया कि सब सब ने उसको, उसका जो पुतला बनाया हुआ है उसकी तरफ ही झुके और उसको प्रार्थना करें, उसको भगवान माने, लेकिन दानियाल ने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा अपने वक्त पर अपने प्रभु का, पिता परमेश्वर का की स्तुति करता था, अपने वक्त पर अपनी प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर को करता था। यही उस जो बाकी के लोग हैं जो उससे जलते थे, उन्होंने राजा को जाकर
कंप्लेन किया कि दनियाल तो आपकी बातें नहीं मानता। तो न चाहते हुए भी राजा ने उस वक्त उसे शेर की गुफा में भेज दिया और उसने ये तक कहा कि तुम्हारा जो पिता परमेश्वर है तुम्हारी रक्षा करेगा, या तो अगर दनियाल ने प्रभु में वो स्थित न होता तो वो क्या करता। लेकिन वो प्रभु में स्थित था इसलिए प्रभु में स्थित होकर उसे पता था कि उसको इतना आश्वासन था कि कुछ भी हो जाए पिता परमेश्वर उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो कोई भी आजमाइश हो उसके साथ, भले ही शेर था गुफा में लेकिन वो डटा रहा प्रभु के वचन में। प्रेज सिस्टर ब्रेंडा, गुड इवनिंग। द सिस्टर। इज द लॉर्ड सिस्टर, आई जस्ट थॉट वी विल रिवाइज एफिशिएंस चैप्टर 6 वर्स 10 एंड 11। प्रेज द सिस्टर। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस यस आई कैन सी इट। ओके, सो आई वाज जस्ट गिविंग डैनियल्स एग्जांपल where in the first sentence here, finally be strong in the Lord and his mighty power. It says, मतलब यह कि प्रभु में स्थित होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। तो हम लोग प्रभु में स्थित कैसे होंगे, पिता परमेश्वर में स्थित कैसे होंगे? हाउ विल वी बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी पावर? इट इज ओनली थ्रू हिज वर्ड। सो आई थॉट ऑफ गिविंग डैनियल्स एग्जाम्पल वेर इन ही वॉज सो सो श्योर एंड सो स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। हेलो, समवन फाइटिंग? नो सिस्टर। यस सिस्टर आई म्यूटेड इट। ओके, सो वी टेक द एग्जांपल ऑफ डैनियल वेयर इन डिस्पाइट ही वाज द यू नो देयर केम अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द किंग that they are supposed to only bow down and pray to him but not but any other god. But Daniel stood by the word of God. He put on the full armor of God and he was not scared. He was strong in the Lord and in his mighty power. That despite being in the la in the de in the lion's den, he was able to one, please bear with me. Yes, sure. तो शेर की गुफा में भी में होकर भी वो डरा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि पिता परमेश्वर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। शेर क्या मतलब, कोई भी होने दो, पिता परमेश्वर उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो प्रभु में स्थित था। ही वॉज strong in the Lord and in his mighty power. Do you want to share something, sister, on this? नो नो सिस्टर आप आगे बढ़े। Okay. For अभी परमेश्वर
के संपूर्ण कवच को धारण करो, ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको। तो put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. हिंदी में अनुवाद करती हूँ। क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्यों से नहीं है, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकार पूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर की दुष्ट दुष्टामिक शक्तियों के साथ है। सो बारवा वचन ये कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो इस दुनिया के लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई वो शैतानी ताकतों से है जो हमें हमारी जो पांच इंद्रियों से दिखाई नहीं देते। अभी पांच इंद्रियां, what we see, what we use, our hands, what we touch with our five senses, right? हमारी जो पांच इंद्रियां जिससे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो है पांच इंद्रियां। लेकिन जो जो स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं, जो शैतानी ताकत है, उनसे लड़ाई करने के लिए हम हमारे पांच इंद्रियों से तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते। और वैसे भी बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जब प्रभु यीशु को जब वो टेम्प्ट करने आया था, टेम्प्ट बोले तो क्या यार, टेम्प्ट आजमाने आया था। हाँ, जब भी वो माउंट पे माउंटेन पे तीन बारी आजमाने आया था, कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है कि उसने काला ड्रेस पहना था, उसके दो सींग थे, उसके लाल आंखें थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये जो डर है या जो जो थॉट्स आते हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, जो हमें डर या कंफ्यूजन, जो दुविधा में डालते हैं, जैसे हमें पता नहीं चलता है कि ये सही है या ये गलत है, हम वो करते हैं जो जो गलत है, क्योंकि वो आसान होता है। तो ये सब आता है स्पिरिचुअल फोर्सेस से, है ना। तो ये जो शैतानी ताकतें हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। तो ये लड़ाई होती कहाँ है, हमारे दिमाग में, या जहाँ पे हम काम करते हैं, या हमारे खुद के घरों में। हमारी लड़ाई हमारी, हम तो जानते ही हैं कि हमारी लड़ाई हमारे फैमिली मेंबर से थोड़ी है ना। भले ही हमारे कभी कभी बच्चे बिल्कुल मतलब सुनते नहीं है, या हमारे स्पाउस जो हस्बैंड या वाइफ है वो वही करते हैं जो उनको करना है, और मतलब सारा सारा दिन टीवी बैठ के देख सकते हैं, लेकिन जब हम बोले चलो प्रार्थना करते हैं, उनको बहुत नींद आती है उस वक्त। या हमारा ही जैसे हम पहले थे, चर्च हम लोग जाते थे लेकिन बैक बेंचर्स ना, या आउटस्टैंडिंग कैथलिक्स, आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियंस,
बाहर बैठ के देखना, हमको हमने देखना था कि कौन कितने अच्छे कपड़े पहन के आया है या कौन क्या कर रहा है ना। और घर पे जाने के बाद मम्मी ने कितना अच्छा खाना बनाया होगा, ये सब बातें आती कहाँ पे है? शैतान हमारे दिमाग में डालता है ना, ये हमारे जहन में चलता रहता है। तो ये हम पांच इंद्रियों से देख या पांच इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। अभी जब तक हम वचन में नहीं थे, हम इन सब से गुजरे हैं बिना बात के। मतलब कुछ ज्यादा ही सोच के कभी-कभी हम लोग डर जाते हैं। या आजकल तो ये न्यूज़ चैनल या फेसबुक, ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम, छोटी छोटी बातें जो हम सोचते हैं कि कितना मतलब इतना इजी कैसे है, हाउ सटल द डार्क फोर्सेस आर टू फॉर इट टू एंटर इनटू आवर लाइव्स इतनी आसानी से। जैसे ये खराब न्यूज है, देर आर शोज इन इंडिया लाइक यू नो रात को सोना है तो अभी जाग जाओ उसका ये टैगलाइन है। और जाके क्या करो, जाके उनके शो देखो जहां पे नेगेटिविटी से मतलब भरा हुआ है। और नेगेटिविटी हमें क्यों इतना आकर्षित करती है? व्हाई डू वी गेट सो सो यू नो ग्लूड टू द टीवी एंड टू द नेगेटिव थिंग्स? सिस्टर, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं सिस्टर, आप बोले। आमर आ, आ, आमर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या अमर कवच? आमर कवच। ओके okay. कवच कवच, ये सिस्टर कैरी हाँ ऑन। या ओके कवच। सो तो हमारी लड़ाई, जैसे हम हमें पता है कि समझो ऑफिस में कोई हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा है बिना बात के, हम पे उंगलियां उठती हैं, या हमारा का हमारे काम के बीच में वो बाधाएं डालते हैं या झूठ बोलते हैं, तो हमें ये समझना है कि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, क्योंकि वो तो हम जैसे इंसान ही है ना। और उन उन उनसे उस वक्त हमने प्रेम से बर्ताव करना है, प्रेम से उनसे। क्यों? क्योंकि उनकी जगह हम भी थे कभी, है ना। जैसे सास भी कभी बहुत ही सुना है सीरियल का नाम, वैसे हम लोग भी उनके सीरियल में मतलब उनकी जगह पे थे। कि हमें जब भी वचन, हम कलाम से इतना वाकिफ नहीं थे या वचन से इतना परिचित नहीं थे, तो उस टाइम पर हम लोगों का रिएक्शन कितना इमीडिएट होता था, उसी वक्त तुरंत। अगर हमको कोई एक बोल दे, हम चार सुना दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मतलब शाइनिंग करने के लिए या सबको बताने के लिए कि यार मेरी गलती नहीं थी। एंड क्विकली हम जैसे है ना सामने वाले को नीचा दिखा दें कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, हम आपसे मतलब बोलने में तुमसे ज्यादा तेज मैं हूँ। व्हाई डू वी डू दैट? बिकॉज एट दैट टाइम हम वचन में नहीं थे। लेकिन आज आज तो टेबल्स हैव टर्न्ड,
नाउ वी हैव द आर्मर ऑफ गॉड. व्हाट इज द आर्मर ऑफ गॉड? सुरक्षा कवच क्या है? सुरक्षा कवच है प्रभु का वचन. हाँ, जो हमें याद करना है, मनन करना है. और जब हमारी आजमाइश होती है तो यही कवच हमें यूज करना है, हमें इस्तेमाल करना है. ये नहीं कि जैसे पहले ऐसे होता था ना कि शैतान तो इतना शातिर है कि कभी कभी चर्च के लोगों द्वारा भी हमको मतलब डरा देते थे ना कि तुम में कोई पाप है, तुम यू हैव बीन देर इज कर्स ऑन यू अबाउट अबाउट दिस. कुछ भी कोई भी चीज का तुम पर का श्राप है, इसीलिए तुमको ऐसे तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा है, या देखो तुम ऐसे ऐसा होने वाला है. एक बारी किसी ने मुझे ऐसा बोला कि देखो अगर तुम ऐसा ऐसा प्रेयर नहीं करोगे ना तो तुमको ये हो जाएगा. तो मैंने बोला ये किधर लिखा है? मतलब अभी मैं पूछ सकती हूँ कि कहीं पे लिखा है कि प्रभु ने हमें ऐसा प्रभु हमें ये देते हैं, पनिशमेंट देते हैं कि मैं अगर ये वाला प्रेयर इतने टाइम नहीं बोलूं तो प्रेज बी टू गॉड कि मेरे पास उस वक्त जब भी उन्होंने बोला ये कवच मेरे पास था. दैट आई कुड टेल दैट पर्सन गुस्से में नहीं, प्यार से उनको समझा सकूं कि बाइबल में कहीं पे भी प्रभु या प्रभु यीशु ने या पिता परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें तुम अगर ये प्रार्थना इस इतनी बार नहीं करोगे या इतनी बार चर्च नहीं जाओगे या इतनी बारी तुम ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे तो तुमको मैं सजा दूंगा, क्योंकि वो खुद ही प्रेम है. तो उनका प्रेम, उनका वचन हमारा सुरक्षा कवच. और हम उसी वक्त बोल सकते हैं शैतान तू तो झूठा है, तुम तो आया ही तुम तो तू तो आया ही था लूटने और टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय, मार मारने या यू नो टू आई डोंट नो व्हाट इज टू से टू डिस्ट्रॉय इन हिंदी. लेकिन प्रभु यीशु आए हमें जिंदगी देने और जीवन देने. कौन सा वाला जीवन? बहुत आयत का जीवन, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फुल ऑफ अबंडेंस इन एवरी एरिया ऑफ आर लाइफ. सो आर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड. हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ हमारा हमारी लड़ाई नहीं है. जो जो हेवेनली रेम्स उसका उसका पावर हम हमारे साथ है. जो प्रभु यीशु हमारे अंदर है वो इस दुनिया के इस दुनिया का जो राजा है, जो शैतान है, उसे कहीं बढ़कर है. तो उसका कवच, सुरक्षा कवच डालकर हम इस शैतानी ताकतों से लड़ाई कर सकते हैं. सिस्टर प्लीज वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दिस? No, sister, you carry on. I'm listening to you. ओके. प्रेज गॉड. आप सही जा रही हैं. आप हाँ आप बोले.
I'm just trying to read them. Stand firm. Yeah, no worries. After, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जो 14 वर्स है, सो अपनी कमर पर सत्य का फेंटा कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो. 13th one. Here it is different. In English it is 14 and here it is 13. Sorry, I missed the 13. No problem. आप कैरी ऑन करें. हिंदी में 13वां वाला वर्स है, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो, ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अडिग रह सको. तो किस तरह हमने खड़े रहना है? दृढ़ता के साथ. दृढ़ता इस टू बी स्ट्रॉन्ग. आई थिंक टू बी स्ट्रॉन्ग. दृढ़, स्टैंड फर्म, फर्मनेस. स्टैंड फर्म देन with the belt of truth बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हमारे जहन में शैतान हमें आसान आसान वाला रास्ता हम चुनते हैं, लेकिन वो आसानी जो आसान से आसानी वाला रास्ता होता है वो सही नहीं होता है ना. तो उसमें अगर हम तो फिर उस ये वचन में मतलब खरा नहीं उतरेंगे. तो प्रभु का वचन ये कहता है कि हमने वी हैव टू पुट ऑन द फुल आर्मर. सिस्टर आई एम जस्ट गेटिंग little you know confused between the okay. two screens, which is the verse is the Cindy, sister aap hindi par dalo, no problem, sirf hindi kare. Agar aapko hindi samajh aa raha aap sirf hindi kare. I'm following up from you. No worries. Jo nahi samajh aayega main aapko puch lungi. Aap sirf hindi kare. Because to be honest, my hindi is not all that I need the English translation for me to understand the Hindi one. Okay, no worries. One second, bear with me.
सॉरी बेयर विद मी सॉरी ओके 13वां वर्स था, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण कर करो ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अडिग रह सको। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हमें जब हम रोज के रोज पिता का पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु का वचन पढ़ते हैं, उसे स्टडी करते हैं, मनन करते हैं, रोज के रोज प्रभु के साथ बातें करते हैं, उनसे उनका वचन सीखते हैं, तो जिस दिन आजमाइश होती है शैतानी ताकतों से, उस दिन या उस समय हम उस वक्त ऐसा बोल सके, एकदम छाती ठोक के ना ऐसा बोलने का कि शैतान तू निकल अब यहाँ से पतली गली पकड़ के, हाँ क्योंकि तू तो है ही झूठा, ठीक है तू निकल अब यहाँ से, और क्योंकि प्रभु यीशु जो मेरे में है ना, मुझ मेरे अंदर, वो इस दुनिया के सभी ताकतों से बड़ा है ना, तो मेरे साथ ना पहले आई एम कमिंग बैक टू माय नॉर्मल हिंदी बिकॉज हाँ ठीक है ठीक, नो प्रॉब्लम सिस्टर। तो ऐसे बहुत बार होता था ना कि I was going to say something. आप जब तक सोचे मैं आपको कुछ बताती हूँ कि आप जब तक सोचे आप क्या बोल रही थी। हाँ आपको याद आ गया? नहीं नहीं मैं सोच रही हूँ। ओके मैं आप लोगों को एक एक हम अभी जब ये इफ़्सियों की किताब उसका 18 बाब और 6 से 10वीं आयत का जब सिस्टर डायना हमें समझा रही थी कि जब हम कहते हैं कि हम खुदावन का वस्त्र जब पहनते हैं तो उसका उसका मतलब क्या होता है कि खुदावन का जब हम वस्त्र पहनते हैं उसकी सच्चाई, उसकी रोशनी, उसकी हिम्मत, जिस तरह से हमारे जिंदा खुदावन ने हमें सिखाया और हर हर एक आजमाइश पर, हर एक घड़ी पर जिस तरह खुदावन यीशु अटल खड़ा रहा अपने बाप के वादों पर, हमारे अबा बाप के वादों पर, उसकी सिखाई हर चीज पर, तो जिस तरह से उसने सीखा है और ईमान रखा है, इसी तरह हमें भी अपने जब हम खुदावन का कलाम समझते हैं, सीखते हैं उसे, वो कलामों को हम अपने सोचों को बदलते हैं और हर परस्ती में जब हम अटल खड़े होते हैं तो उस वक्त हम खुदावन का ये जो आमर हम कहते हैं इंग्लिश में, उस वक्त हम ये पहनते हैं। और खुदावन का आमर जो सिस्टर डायना वस्त्र कहते हैं, राइट आमर को कवच, कवच जब हम खुदावन की जो कवच पहनते हैं ना, ये एक आम सा कवच नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हम जब जंग पर जब हम देखते हैं कि हमारे जो फौजी जो सरहद पर खड़े होते हैं अपनी मुल्क को और लोगों को बचाने के लिए, तो वो उन्होंने अपना एक कवच पहना होता है कि उनका एक यूनिफॉर्म होता है, उनका ब्रेस्टप्लेट होता है कि वो बुलेट प्रूफ होता है, उनके पास हथियार होता है। इसी तरह यीशु ने हमारे लिए वो कवच छोड़ के गया है, और जब हम वही कवच जब पहनते हैं तो जब शैतान के जो मंसूबे हमारे खिलाफ, हमारे जिंदगी में, हमारे प्यारों वालों प्यार करने वालों के सामने आते हैं, तो जब हम ये कवच पहनते हैं और जब हम खुदावन का कलाम हम जब डिक्लेयर करते हैं, हम जब बोलते हैं, तो उस वक्त ये कवच जब पहनते हैं शैतान को सिर्फ यीशु नजर आता है। शैतान को हम
में से कोई नजर नहीं आता है अगर हम ये कवच पहने। तो ये कवच इतनी प्यारी चीज है कि ये कोई आम सा कवच नहीं है, ये वो कवच है जो हमें एक जिंदगी देता है, और हमें ये कवच हमेशा हमेशा पहनना चाहिए। ये कवच से हम सच्चाई, खुदावन की सच्चाई में खड़े हो और अटल खड़े हो। जितनी भी आजमाइश हो, आपने हमने ये भी सीखा था कि खुदावन के यीशु के मार खाने से हमें शिफा मिल गई है। अगर उस वक्त हम अगर हम कोई आजमाइश में हो या कोई हमारे प्यारे बीमार हो, हमें जो नजर आ रहा है हम उसको अनदेखी करके और बोले नहीं, खुदावन के पाक लहू से, खुदावन के मार खाने से ये इंसान चंगा हो गया है, मतलब हो गया है, हो गया है, होगा नहीं या होने वाला नहीं, हो गया है। जैसे मैं आपको एक कल की गवाही देती हूँ कि एक मेरे मेरी कजन है, उसका कोई दोस्त था, तो कुछ हफ्ते पहले उनके साथ हम कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, तो कुछ हफ्ते पहले वो जो बंदा था जिसे हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ बिजनेस करना छोड़ दिया, और फिर हम उनके साथ ताल्लुक में नहीं थे। अचानक कल जब मेरी कजन ऐसे ही बात कर रही थी, तो उस बंदे ने से बात कर रहा था, और फिर उससे मालूम पड़ा कि उसकी बेटी हुई है दो तीन दिन पहले, और वो प्री मेच्योर थी, और उसको उसका कंडीशन इतना सीरियस हो गया था कि उसको जमियत हॉस्पिटल से, हमारे एक चैरिटी हॉस्पिटल है होली फैमिली, उधर उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया था, और डॉक्टर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बच सकेगी। और मेरी कजिन ने मुझे बताया, और फाइनेंशली हॉस्पिटल के बिल्स पे करने थे, तो मेरी कजिन ने ये पूछा था कि हमें उसी मदद करना चाहिए, तो हम क्या कर सकते। सिस्टर मेरे लैपटॉप का बैटरी लो जा रहा है, जस्ट होल्ड प्लीज। ओके, यू कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू अगेन, आई जस्ट गेट द चार्जर। श्योर श्योर, ओके। तो सिस्टर ब्रेंडा अपनी गवाही शेयर करेंगी। तो मैं ये कह रही थी कि ब्रेस्ट प्लेट द विद द बेल्ट ऑफ ट्रूथ बकल्ड अराउंड योर वेस्ट। अब ये बेल्ट ऑफ ट्रूथ क्या है? बेल्ट ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई। सच्चाई जब हम हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, तो जब हम झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, तो हम उस वक्त प्रभु यीशु हमारा हाथ पकड़े हुए, हम किसी के सामने भी हम डट कर खड़े हो सकते हैं। Yes, sister, you want to continue? Yes, sister. Testimony? Right. Yeah. So, उसके हॉस्पिटल के बिल्स बहुत आ रहे थे, उसको उसने अपने सारे चीजें बेच घर से बेच कर थोड़े बहुत बिल्स, तो उन्होंने कहा अगर हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सबको, जितने भी मैंने लिस्ट में, मैंने सबको उसका नाम और रिक्वेस्ट किया था कि इसे कोई मदद कर सकता है। तो सर मुझे, मैंने उसे कॉल किया था, और जब कॉल कर रहे थे, थैंक यू जीसस, जब हमने कॉल, मैंने कॉल किया था, तो मैंने उससे मरकस की अंजील, उसका 11 बाप समझाया, और पीटर से, पत्रस की किताब से वो समझाया जो खुदावन ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है इस जिंदगी के लिए। और उसके साथ फिर मैंने से ये कहा था कि मैं आपके लिए प्रे कर दूं, इससे आपके बेबी के लिए से चीख करें। तो हमने प्रे किया, मैंने से साथ प्रे किया, और मैंने से ये समझाया कि उसे बिलीव करना है, उसे ईमान और यकीन करना है। और हमने प्रे किया, और उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने फ़ोन रख दिया था, और मैं ऐसे फॉलो अप कर रही थी। फिर ये बच्चे का बाप आया था मेरे पास रात को, और उसके लफ्जों से ये उसने कहा कि 2 दिन से उसकी बेटी ने आंख नहीं खोला था, 2 दिन से,
फिर एक मिरेकल हुआ कि आपने जब प्रे किया और मैं उस वक्त अपनी बेटी के रिपोर्ट के लिए हम बाहर खड़े रुके हुए थे और डॉक्टर ने हमें कॉल करके बताया कि उससे हम उसको वेंट से उठा रहे, वो बच्ची वेंटिलेटर पे थी और वो बेटी ने आंखें खोले और प्रेज गॉड कि उसकी तबीयत ठीक हो रही है। तो वो उन्होंने कॉल किया, वो बता रहा था और यू नो इतनी खुशी थी, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैंने से यही कहा कि हमेशा ये रखना कि मैंने आपको सिर्फ गाइड किया है बट शिफा देने वाला ऊपर है, आपको ईमान रखना रखिए। और मैंने से बताया कि यू नो खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहे, सब कुछ खुदावन ने मुहैया कर दिया इस बेटी के लिए, इस बेटी के जो ऑर्गन्स वगैरह है वो फंक्शन नहीं हो रहे थे, वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुए थे और शुक्र है खुदावन का कि कल कुछ घंटों में ही उसे मुकम्मल शिफा मिल गई और वो बेटी वेंट से बाहर है और खुदावन उसके हॉस्पिटल के लिए उस बेटी के हर जरूरत जो वो बेटी को चाहिए जिंदगी में खुदावन ने उसे मुहैया कर दिया है, यू नो प्रेज गॉड यस आमेन। तो मैंने उसे ये समझा, ये बताया था कि यू नो कि जो भी नजर आए वो नहीं देखना, जो खुदावन ने दिया है उसको देखते रहना। तभी सुबह उन्होंने वापस कॉल किया था, मैसेज किया था यू नो कि बेबी के लिए प्रे करना कि बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने उसे वापस कॉल करके खुदावन का शुक्र करो और यू नो वो स्क्रिप्चर को रिसाइट करते जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगा सिस्टर मैं आपको कॉल करूँगा, आप मेरी बेबी के लिए आप उधर उस वक्त प्रे करना है। ओके नो प्रॉब्लम ब्रदर, जरूर करेंगे। सो कुछ महीने से यही स्क्रिप्चर पर मैं कॉन्स्टेंटली 2-3 महीने से इन्हीं स्क्रिप्चर इन्हीं स्क्रिप्चर कलाम पर फोकस करती थी और यही स्क्रिप्चर अपने फैमिली अपने बच्चों के लिए बोल रही थी। तो जब हम ये पहनते हैं ना सिस्टर डायना, जब हम बोलते हैं खुदावन का क्या बोलते हैं सॉरी हिंदी में कवच, कवच, जब हम खुदावन का ये जो कवच पहनते हैं ना, हम बोलते हैं कि वी पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड, हम ये खुदावन का कवच पहनते हैं, तो इट्स गारंटी, मतलब 100% गारंटी है कि जब आप खुदावन की बेटी हो या बेटे हो, आप खुदावन की राह पर चलने वाले हो, आप खुदावन के कलाम जब आपने समझा है सीखा है, तो अभी वो टाइम है कि हम सब वो कवच पहनकर आगे बढ़े। और वो कवच खुदावन का कवच वो है जब हम आगे बढ़ते हैं हर परस्ती में, हर तूफान में शैतान के मंसूबों को, शैतान को कुछ भी नहीं नजर आता क्योंकि वो दूर भागता जाता है, क्योंकि वो कवच जब पहनते हैं ना वो शैतान को सिर्फ खुदावन नजर आता है, उसको सिर्फ यीशु नजर आता है, तो वो उसको देखकर ही दूर भाग जाता है। ये कवच इतनी प्यारी चीज है और ये कवच पहने जब हम पहनते हैं ना, बहुत जरूरी है कि हम अपना पूरा ध्यान खुदावन के कलाम पर, और खुदावन का कलाम मैंने जो सीखा है और समझा है सिर्फ प्यार है, ईमान है। अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, एक हम खाली बर्तन की तरह टन आते बर्तन की तरह है ना, कि हमारे पास ईमान है और उसमें पत्थर डाल दो तो वो टन 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 आवाज करता जाता है, तो हम जिधर भी जाते हैं पुलपिट पर खड़े हो जाते हैं या किधर भी खड़े हो, ओ मैं एक प्रीचर हूँ, मैंने ये जाना है, वो एक खाली बर्तन की तरह टन टन, कि मेरे बोलने से तो लोग की सोचे नहीं बदली है, मेरे प्रे करने से सिर्फ 1 मिनट का फर्क पड़ा है, बट कलाम जब सीखते हैं समझाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, उसकी खूबसूरती और प्यारी चीज ये होते हैं कि जिंदगी लोगों की बदल जाती है, सोचे बदल जाती है। कलाम समझने और सीखने का सबसे स्पेशल चीज ये होता है। आमेन। तो जैसे खुदावन के जितने भी खुदावन के साथ राह पर चल जो कलाम में है, जैसे आपने बता रही थी डैनियल नबी था और जोसेफ था, दाऊद था, वो सब खुदावन के कलाम में अटल खड़े रहे ना। जो भी आप अगर हम पढ़े पीछे के पुराने ऐहदनामे में पढ़े,
कि जितने भी खुदावन के साथ साथ जो चल रहे थे वो खुदावन के कलाम पे अटल खड़े थे. उनको सिर्फ ये मालूम था कि खुदावन उनको बचाएगा, खुदावन उनसे प्यार करता है, कि वो जो कुछ भी करेंगे खुदावन उनके साथ है. राइट. सॉरी सिस्टर, यू कंटिन्यू. आप पढ़े. नहीं, सिस्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेस्टिमनी. आपकी गवाही के लिए बहुत शुक्रिया. मैं भी थोड़ी सांस ले पाई, पानी पी पाई उस टाइम पे. तो कमिंग टू वर्स 14, स्टैंड फर्म देन विद द बेल्ट ऑफ ट्रूथ बकल्ड अराउंड योर वेस्ट विद द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस इन प्लेस. और हिंदी में सो अपनी कमर पर सत्य का फेटा इज द ट्रूथ बकल्ड अराउंड योर वेस्ट. और धार्मिकता की झिल्लम दैट इज द राइटियसनेस इन प्लेस. तो धार्मिक सत्य सत्य क्या है? What is truth? Jesus and Jesus alone. Because what is Jesus saying? मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ. तो हमारे पास यीशु, जीसस, उनका सत्य, उनके वचन द्वारा, उनका वचन हमने हमारे पास हमारे हमने बोलना है मुंह खोलकर. ऐसा नहीं है कि सामने वाला हमको तकलीफ दे रहा है, लेकिन हम हमें तो पता है अभी कि वो प्रॉब्लम वो आदमी नहीं है, वो शैतान है उसके पीछे. तो हम उस वक्त बोल सकते हैं, शैतान तो झूठा है और मैं इसे इस यीशु के प्यारे बेटे या बेटी को माफ करती हूँ और उनसे प्रेम करती हूँ. क्यों? क्योंकि यीशु मुझसे पहले प्रेम करते हैं, उन्होंने मुझे पहले प्रेम किया. बिकॉज ही लव्स अस फर्स्ट. And because I love Jesus, I am prepared to forgive this person who is hurting me. Or it could be anyone. It can कोई वो रिश्तेदार हो या हमें जिसने पहले चोट पहुंचाई हो. ऐसे मतलब अनगिनत लोग हमारे लाइफ में आकर जाते हैं. तो जहन में ये शैतान हमें कभी कभी पुरानी बातें याद दिलाकर हमें गुस्सा दिलाता है. कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुखती नस पर वो पांव डालेगा ही, आपको आजमाने. ये हमें जानना है कि ये आजमाइश पिता परमेश्वर से नहीं है, ये शैतानी ताकतों से है. इसलिए हमें हमेशा तैयार होना है, हमेशा तैयार रहना है उनके सत्य से और उनकी धार्मिकता से. ये धार्मिकता क्या है? धर्म नहीं, इट्स नॉट लॉ, इट इज राइटियसनेस. माय राइट स्टैंडिंग विद गॉड, दैट इज राइटियसनेस. राइट सिस्टर? हेलो चेक, सिस्टर ब्रिंडा, एम आई अलोन? धार्मिकता का मतलब क्या है? इंग्लिश में हमें मैंने सीखा था कि माय राइट स्टैंडिंग विद गॉड इज राइटियसनेस. द वेरी नेचर ऑफ गॉड प्लांटेड इन मी. अभी
पिता परमेश्वर का जो पिता परमेश्वर का जो की हाउ डू आई से नेचर, वो जैसे जैसे पिता परमेश्वर है वैसे ही उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने हमें अपनी अपने जैसा ही बनाया। हम उन वो नहीं है, वी आर नॉट द ग्रेट आई एम, बट वी आर व्हाट वी आर एंड वी आर इन राइट स्टैंडिंग विद गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट एंड हिज होली स्पिरिट। सो तो उनका उनकी धार्मिकता और उनका सत्य जो है उनका वचन वो हम हमार हम, हम हमें उस वक्त काम आता है जिस वक्त हमारी आजमाइश होती है, और उस ये सब के बाद, ये सब हो जाने के बाद, एंड विद योर फीट, सॉरी वर्स 15 में लिखा है, एंड विद योर फीट फिटेड विद द रेडीनेस दैट कम्स फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ पीस। प्रभु यीशु जो 15वां जो 15 वाला वर्स है, तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो। सो वी हैव द ट्रूथ, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, एंड आवर फीट फिटेड विद रेडीनेस दैट कम्स फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ पीस। इससे अच्छा सुरक्षा कवच हमें कोई दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी नहीं दे सकता। जो हमें प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के वचन द्वारा मिलेगा, जो उनकी धार्मिकता है, जो उनकी सच्चाई है, और उन जो शांति हमें प्रभु यीशु से मिलती है, ये हमें तीन कहीं नहीं मिल सकते। दुनिया की कोई खुशी नहीं दे सकती। आप अगर सोच रहे हो कि चलो मैं अपनी खुशी के लिए मैं ये गाने सुनती हूँ, या मैं ये पर्टिकुलर मतलब कोई भी प्रोग्राम देखती हूँ, या ये टीवी सीरियल देखती हूँ। आज मैंने जैसे दो तीन घंटे प्रभु का प्रभु सॉरी प्रार्थना किया, लेकिन अभी 7 बज गए, तो 9 बज गए, 9 बजे सास भी कभी बहू थी, ये चालू होने वाला प्रोग्राम मेरा, वो देखे बिना तो मुझे शांति मिल ही नहीं सकती। तो मुझे मेरा ये पूछना है कि अगर वो सीरियल टाइमिंग चेंज हो गया तो क्या होगा? 9 बजे के बजाय वो रात को 12 बजे आने लग गया, तो आप रात को 12 बजे बैठ के वो टीवी सीरियल देखोगे? नहीं तो फिर अगले दिन वो रिपीट टेलीकास्ट देखोगे। बट क्या ये आपको शांति देता है? क्या ये आपके मन को शांति देता है? क्या ये आपकी आत्मा को शांति देता है? नहीं, ये कभी नहीं देगा, क्योंकि आप हमेशा आप ऐसे ना तवे पे रहोगे कि अगला क्या होने वाला है, ये बहू ने ऐसे क्यों कहा, और यही सब ट्राई करोगे आपकी सास और आपकी बहू के साथ घर में, या नहीं तो फिर अगले दिन आपके सब फ्रेंड आएंगे और उनके साथ भी आप यही बात करोगे कि मेरी सास तो ऐसी है, तेरी सास कितनी अच्छी है, या मेरी बहू ने आज ये किया, उसने खाना जला दिया क्योंकि वो फोन पे थी। बस ये सब आइडिया टीवी सीरियल से मिलता है। क्या आपको ये सच्चाई और
क्या ये पीस जो शांति है आपके मन को, आपकी आत्मा को, क्या ये बाहरी ये दुनियावी बातें दे सकती हैं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु का जो सत्य आप में है, जो प्रभु यीशु का जो की जो शांति है, वो हमेशा आपको हर उसके ऊपर कुछ नहीं है। और ये आप खुद ही जब आप वचन पढ़ोगे, उसका मनन करोगे, आपको ये आपकी ये आत्मा पे छा जाएगा। इट विल बी विद इन योर स्पिरिट, विद इन योर व्हाट डू वी से, यू कैन अटेन नथिंग, द वर्ल्डली थिंग्स दैट व्हाट द वर्ल्ड विल गिव यू, व्हाट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर यू, यू डू नॉट, यू विल नॉट गेट दैट पीस व्हाट जीसस हैज टू ऑफर यू थ्रू हिज वर्ड। Amen. Thank you, Jesus. And eventually, आखिर में आपको बस यही है जिसके साथ आप दृढ़ता पूर्वक अडिग रह सकोगे, यानी यू विल स्टैंड फर्म इन द नेम ऑफ जीसस एंड जीसस अलोन। बिकॉज क्यों? क्योंकि वही सत्य है, वही मार्ग है और वही जीवन है। Amen. Amen. Sister, do we say Yes, anything sister. more? Amen. Yes, sister. थैंक यू वेरी मच. शुक्र है खुदावन कि आपने आज हमें ये समझाया है कि खुदावन के पाक रू ने आपको गाइड किया है कि हम खुदा के कवच के बारे में आज हमने सीखा है, समझा है. और यही कवच, हम सब यही कवच पहनकर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे कि हम खुदावन के कलाम को सिर्फ हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में खुदावन की ये ब्लेसिंग हम फैलाएं. तो थैंक यू सिस्टर डाइना. सिस्टर ब्रेंडा, तो हम आज के लिए हम इतना सीखते हैं, फिर मंडे को हम मिलते हैं होपफुली जी कि सिस्टर फ्लोरिडा भी हमारे साथ हो. जी आप प्लीज क्लोजिंग जी प्रेयर कर देंगी या जी कोई और है? सिस्टर शांता, सिस्टर एंड्रिया, सिस्टर प्रियंका, आप में से कोई क्लोजिंग प्रेस करना चाहते हैं? प्रेज गॉड. यस सिस्टर शांता, सिस्टर, प्रेज क्लोजिंग प्रेज गॉड आप पिता। करना चाहते हैं? ओके, स्टार्ट करें सिस्टर। हेलो, जी, आप स्टार्ट करें हिंदी मेरी में. आवाज आ रही है यस ना सिस्टर. आपको? मेरी आवाज जी आ जी रही है आ ना रही है. सिस्टर? प्रेज गॉड. जी जी आ रही है. यस यस आप प्रे करें. यस सिस्टर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अमीन. आपको, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपको, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपको। आज सिस्टर ड्राइना के थ्रू आपने हमें ये सुंदर वचन सिखाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इसे अप्लाई कर सके, हम इजी तरीके से सीख पाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय के लिए, ये सुंदर पल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू पवित्र आत्मा, ये वचन ही है जो हमें सत्य बताते हैं। कोई दूसरा दुनिया बातें सच नहीं है, बल्कि आपके मुंह से हर एक निकलने वाले शब्द ही सत्य है। थैंक यू पवित्र आत्मा,
थैंक यू, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपको, धन्यवाद प्रभु यीशु, और हम आपको सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर शांता, थैंक यू सिस्टर ब्रेंडा, थैंक यू सिस्टर डाइना, गॉड गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट।